हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन. नाउ टुडे वी शैल लर्न इंग्लिश प्रोज द थर्ड लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ पावर एंड सक्सेस. द लेसन इज रिटन बाय मिस्टर जेम्स एलन. First of all, my dear student, I want to describe the summary of this lesson in Hindi. You must be clear. Mr. James Allen, ये कहते हैं कि जहाँ पर दृढ़ विश्वास है और मजबूत शुद्धता है वहीं पर स्वास्थ्य है, वहीं पर सफलता है और वहीं पर शक्ति है. ऐसी अवस्था में अर्थात दृढ़ विश्वास और अधिक शुद्धता की अवस्था में बीमारी, असफलता और चिंता मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जहां पर जिसे वे खा करके पनप सकें, जीवन यापन कर सकें. जितना जल्दी हम जितना जल्दी हम महसूस कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि बीमारी हमारे स्वयं के पाप या गलती का परिणाम है, उतना ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं. बीमारियां उन्हें आती हैं जो बीमारियों से आकर्षित होते हैं, जिसके मस्तिष्क और शरीर बीमारियों को स्वीकार करते हैं और उन व्यक्तियों के पास से बीमारियां भाग जाती हैं जिसका शक्तिशाली, शुद्ध, धनात्मक विचार क्षेत्र, सुखद और जीवन देने वाली धाराओं को उत्पन्न करते रहते हैं. अगर आप क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लालच करते हैं या अन्य मस्तिष्क की असामंजस्यपूर्ण स्थितियों को आप अपने शरीर में उत्पन्न करते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की कल्पना करते हैं, तो आप असंभव वस्तु की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि आप तो लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीज बो रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों को बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा सावधानी पूर्वक ताल दिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये घृणा, ये सारी चीजें किसी भी गंदे नाले से ज्यादा खतरनाक हैं या किसी संक्रमित घर से भी ज्यादा खतरनाक हैं. मेरे प्यारे बच्चों, हमें भी इन परिस्थितियों से बचना चाहिए. अगर आप संपूर्ण शारीरिक दर्द, कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं और पूर्ण रूप से शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क को नियमित रखिए, सामंजस्यपूर्ण रखिए, अपने विचारों को आनंद से भरे हुए विचारों का चिंतन करिए और प्रेम से भरे हुए विचारों को सोचिए. अपनी नसों में भलाई का अमृत बहने दीजिए, आपको किसी अन्य
दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी ईर्ष्या को, अपने शक को, अपनी चिंता को, अपनी घृणा को, अपनी स्वार्थपरक भावनाओं को क्या करो, हटा दो। यदि आप इन सारी चीजों को हटा देते हैं तो आप अपने अंदर के कब्ज को, अपने अंदर के पित्त दोष को, अपने अंदर की निराशा को, अपने अंदर के जोड़ों के दर्द को हटाएंगे। अगर आप इनसे, मस्तिष्क की इन दुखद और अनैतिक आदतों से चिपके रहते हैं, आपका शरीर जब बीमारी से कमजोर हो तो शिकायत मत करना। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि वे अत्यधिक काम करने से टूट गए, कमजोर हो गए, लेकिन ऐसे मामलों की अधिकता में कमजोरी उन व्यक्तियों को आती है जो अपनी शक्ति को मूर्खतापूर्ण अपव्यय कर देते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आप काम करना सीखिए बिना तनाव के, बिना चिंता के, बिना उत्तेजना के। अगर आप चिंतित होकर के, उत्तेजित होकर के या अनावश्यक रूप से चिंता से युक्त होकर के कार्य को करते हैं तो आप केवल और केवल कमजोरी को बुलाएंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। बेटा, कार्य चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, वो लाभप्रद होता है, स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला होता है। और वह व्यक्ति जो शांत और स्थिर इरादे से कार्य करता है, संपूर्ण चिंताओं से मुक्त होकर के कार्य को करता है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में केवल कार्य ही नहीं होता है, बल्कि वे कार्य को अच्छी तरीके से भी पूरा कर लेते हैं उन व्यक्तियों की तुलना में जो उतावले होकर के, चिंतित होकर के कार्य को करते हैं। वे केवल कार्य को ही पूरा नहीं करते बल्कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जो उनके जीवन के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि विचार क्षेत्र में ये दोनों ऐसे गुथे हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास की शक्ति के द्वारा प्रत्येक न पूर्ण होने वाला कार्य पूर्ण हो जाता है। आपको श्रेष्ठता में विश्वास रखना चाहिए, श्रेष्ठ शक्ति में विश्वास रखना चाहिए, इस संसार पर चलने वाले नियम पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कार्य में विश्वास करना चाहिए, अपनी शक्ति में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने आपकी भविष्य की चट्टान फैली हुई है और आप उस चट्टान पर निर्माण करेंगे, लेकिन कब जब आप उस पर पहुंचेंगे, खड़े हो सकेंगे और गिरेंगे नहीं तो। इसलिए सारी परिस्थितियों का अनुकरण करिए। अंतरात्मा की सबसे उच्चतम उत्साहित करने वाली आवाज का अनुकरण करिए। अपने दिव्य आत्मा पर भरोसा रखिए, अपनी अंतरात्मा के प्रकाश पर भरोसा रखिए, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखिए। निडर होकर के अपने उद्देश्य का पीछा करिए। एक स्थिर हृदय के साथ आप अपने कार्य के पीछे लग जाइए। हमेशा याद रखिए कि इस संसार का नियम कभी असफल नहीं होता है। आपके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम गणितीय ढंग से आपके पास आएगा। बेटा, यही विश्वास है और विश्वास में ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता का जो डार्क वाटर होता है, काला पानी होता है, वो तितर बितर हो जाता है, वो फट जाता है, वो दूर दूर हो जाता है। प्रत्येक कठिनाई के पर्वत ढह जाते हैं और विश्वास से भरी हुई आत्मा बिना किसी नुकसान के सफलता को प्राप्त कर लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐ मेरे पाठकों, प्रयास करो ऊपर बताई गई सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए। उस बेकीमती अवस्था को, निष्कलंक विश्वास की उस बेकीमती अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करिए, क्योंकि वही आपकी प्रसन्नता,
आपकी सफलता और आपकी शांति और शक्ति का रहस्य है, उन सारी चीजों का रहस्य है जो आपके जीवन को महान बना देते हैं और कष्ट में श्रेष्ठ बना देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे विश्वास पर निर्माण करिए, आप अनंत की चट्टान पर निर्माण करेंगे, अनंत की सामग्री से निर्माण करेंगे और जो संरचना आप खड़ा करेंगे वो संरचना कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि वह संरचना सभी प्रकार इकट्ठा किए गए भौतिक संपदा और सुख से क्या होता है, महान होता है, क्योंकि भौतिक संपदा और सुख और धन मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं। चाहे आपको दुख की गहराई में फेंक दिया जाए अथवा सुख की ऊंचाई में उठा दिया जाए, हमेशा आप अपने विश्वास पर पकड़ को बनाए रखो, हमेशा आप अपने उस चट्टान पर वापस आओ जिस पर आपको निर्माण करना है। अपने पैर को इस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक उस पर जमा करके रख दो कि कोई हटा ना सके। ऐसे विश्वास में केंद्रित करिए, आप ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण बनेंगे कि बुराई आपके सामने शीशे के खिलौने की भांति टूट टूट करके बिखर जाएगी और आप ऐसी सफलता पर पहुंचेंगे कि वहां पर केवल वह व्यक्ति जो सांसारिक लाभ के पीछे दौड़ता है कभी पहुंच नहीं पाएगा, कभी सोच नहीं पाएगा, कभी जान नहीं पाएगा। अगर आप ऐसे विश्वास से परिपूर्ण हो जाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी सफलता के लिए, अपनी असफलता के लिए आपके पास सफलता आएगी। अगर आपको चिंतित परिणाम के प्रति चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आनंद के साथ कार्य करने की जरूरत है, शांति के साथ कार्य करने की जरूरत है, जानते हुए कि सही विचार और सही परिवार, सही प्रयास अनिवार्य रूप से सही परिणाम को जन्म देता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी शेष है, शेष समरी हम अगले लेक्चर में आपके पास लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको अलविदा, आप पढ़ते रहिए और अपने शिक्षकों से संबंध को बनाए रखिए। गुड बाय।